तो आपने अपना एक रिएक्शन दिया, लेकिन आप इंडियन मार्केट्स को आज कैसे अप्रोच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच का यू नो मोड रहेगा. देखिए ऑल टाइम हाई पे हैं और हम हर बार यू नो कॉल्स पे एक अच्छी खासी यू नो राइटिंग अच्छी खासी बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं. प्लस आज वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा. तो 18700 के आसपास अच्छा खासा बेस है, 44100 के आसपास अच्छा खासा बेस है यू नो ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिस्पेक्टिवली. तो थोड़ा सा यू नो वेट एंड वॉच का मोड रहेगा. जो डिप है इसे बाय करने के लिए यू नो बिल्कुल यू नो आई विल वेट, बट थोड़ा सा इसको इस फॉल को सेटल होने देंगे. 18500 के आसपास यू नो निफ्टी का सपोर्ट जोन है, 18800 के आसपास रेजिस्टेंस, 43800 के आसपास बैंक निफ्टी अगर मिलता है तो पे ऑफ रेशियो काफी अच्छा हो जाएगा 44300 के टारगेट्स के लिए. सो ओपनिंग पे फिलहाल दोनों पे होल्ड की राय, बट यू नो डिप अगर थोड़ा सा सस्टेन होता है वहां से मार्केट्स और अदर डिप बायआउट होता है इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स यू नो कर सकते हैं ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ. चलिए गिरावट में खरीदारी के यहाँ पर मौके बनते हुए दिख सकते हैं, लेकिन मार्केट्स को एक बार खुलने दें और थोड़ा समय एक बार वॉचलिस्ट में बाजार को डालें, उसके बाद पोजीशंस बनाने का नजरिया. कुछ फिर आप अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी आज के लिए हमें बता दीजिए. जी हाँ, मेरी दो पिक्स हैं, दोनों ही यू नो ऑन दी बाई साइड हैं. पहली है हरिओम पाइप्स. देखिए पूरे पाइप स्पेस में हमने अच्छा खासा यू नो अपमूव देखा है और इस स्टॉक के बारे में हमने कुछ समय पहले भी जिक्र किया था. यू नो स्टॉक बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में है. पिछले दो सेशन से हल्का सा यू नो म्यूटेड परफॉर्मेंस है, बट इतने अच्छे रन अप के बाद यू नो दैट इज वॉरेंटेड. सो यहाँ पे 375 के जो जोन हैं इनके लिए हम यू नो बाय कर सकते हैं, जो इस स्टॉक ने रिसेंट हाइज बनाए थे. पोजिशनली 400-425 के जोन भी दिखा सकता है, बट इनिशियल यू नो 375 के टारगेट के लिए से बाय करें, 355 का स्टॉप लॉस. वहीं जो दूसरा मेरा पिक है दैट इज यू नो एलएनटी लार्सन & टुब्रो. स्टॉक में अच्छा खासा अप ट्रेंड है, 2200 का एक रेजिस्टेंस जोन था, कल इसने इंट्राडे बेसिस पे एटलीस्ट इसे क्रॉस किया है. क्लोजिंग में हम हल्के से इससे नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है 2225 के जोन तक. 2180 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे. ठीक है, और राइट, तो ये बेट्स हैं आपकी तरफ से. एक बार किरण से भी समझ रहे हैं, किरण कौन से स्टॉक्स को आज पसंद कर रहे हैं? किरण बताएं. हमारे दो स्टॉक रहेंगे, एक आईटी की तरफ से इंफोसिस. यहाँ पे अगर हम इंट्राडे चार्ट्स देखें तो क्लियरली हमें बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस लास्ट एक वीक या तो एक मंथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद हम एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक को देख रहे थे, वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. ओवरऑल इंडिकेटर्स में भी पॉजिटिवनेस हमें दिख रही है. सो 1575 के आसपास का सेटलमेंट था कल का, हम लॉन्ग करके जाएंगे. 1600 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1558 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बीपीसीएल है. जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आया है, इसका बेनिफिशियरी हम ओएमसी काउंटर देख रहे हैं, तो बीपीसीएल, हिंडपेट्रो, आयोसीन तीनों काउंटर में हमें लग रहा है कि पॉजिटिवनेस आनी चाहिए और इन तीन में से बीपीसीएल वुड बी द प्रेफर्ड पिक. रीजन बीइंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम एज वेल एज लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन मोमेंटम इंडिकेटर. सो ये एक पोजिशनल बेट भी रहेगी हमारी. तो 348 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे, 370 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 339 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे. ओके, तो चलिए ये राय बीपीसीएल के स्टॉक में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, 370 तक के टारगेट्स. दो कॉल्स इनफैक्ट यहाँ पर आती हुई किरण की तरफ से और कुश की तरफ से भी खरीदारी की तरफ की आज ट्रेडिंग पिक्स. हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट धर्मेश शाह जुड़ गए हैं. धर्मेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर. भारतीय बाजार के लिए लगातार हम देख रहे हैं नए लेवल्स, बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस के बीच वीकली एक्सपायरी के दिन आज मार्केट पर रीडिंग आपकी क्या है, आप बताएं. धर्मेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. या सॉरी, या सो वी बिलीव आई थिंक सो द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सो वी सी अ मोर फॉर कंसोलिडेशन फॉर द मार्केट. कमिंग टू टुडेस ट्रेडिंग सेशन आई थिंक सो वी फील लाइक फॉर द मार्केट 18650 फॉर द निफ्टी फ्यूचर्स रिमेंस टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन इंट्राडे. So any dip towards 18650 to 18640 should be looked at as a buying opportunity. We expect, I think, so the buying in a case. आप अपनी analysis हमारे साथ हिंदी में share कीजिए please. Oh, so sorry. So sorry. That's fine. So tell us. So हमें लग रहा है कि market 18650 से 640 का एक strong support है. यहाँ पे एक इंट्राडे में अगर उस लेवल के आसपास आता है तो बाई करना चाहिए. यहाँ से एक बाइंग डिमांड इमर्ज होनी चाहिए. ऊपर की तरफ देखिए तो 18,750 के बीच में एक अच्छी रेजिस्टेंस रहेगी निफ्टी की फॉर द इंट्राडे. सो वी फील आई थिंक तो एनी डिप टुवर्ड्स 18,640-650 शुड बी लुक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन द इंट्राडे बेसिस. रही बात थोड़ी पोजिशनल की बात करें तो हमें लग रहा है कि 18,300 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, जो हमें नहीं लगता है कि ब्रीच करना चाहिए.
तो कोई भी डीप आती है, एक हायर बेस फॉर्मेशन बन रहा है बाजार का। हमें लग रहा है कि एंड ऑफ द मंथ के आसपास वी विल बी बैक टू 18,900 टू 19,000। सो ओवरऑल आई थिंक सो व्यू रिमेंस टू बी पॉजिटिव। एनी डिप शुड बी लुक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट। सो बाइक ऑन डिप्स का मार्केट है यहाँ से। डिप्स का मार्केट है और आज स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आपके? सो कमिंग टू हमारे स्टॉक आइडियाज के बारे में, तो SBI आई थिंक सो वन ऑन द PSU बैंक्स, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था आज कल, उसमें ब्रेकआउट देखा हमने 620 के ऊपर बंद दिया है, तो हमें लग रहा है कि SBI में 635 टू 640 कुड बी द इंट्राडे टारगेट फॉर द SBI, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 615। सेकंड स्टॉक वेयर वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फ्रॉम द PSU स्पेस इज ऑन द पावर स्पेस इज NTPC, एक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद कल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है और कहीं ना कहीं 170 के ऊपर क्लोजिंग NTPC में आई है, तो हमें लग रहा है कि NTPC में भी एक अच्छी मूव आज हम देख सकते हैं। अगर इंट्राडे में जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन है SGX की, तो 169-170 के आसपास अगर ये खुलता है तो डेफिनेटली बाय बिठाना चाहिए 175 टू 176 के टारगेट के साथ। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 167 का स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं। धर्मेश,